वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर कहीं जलाभिषेक हुआ, कहीं रुद्राभिषेक, तो कहीं पर बाबा भोलेनाथ की यात्रा निकाली गई, उनके विवाह का आयोजन किया गया, तो कहीं पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर फरीदाबाद के सेक्टर 62 के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के कपाट खुले तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। सन्निहित सरोवर के तट पर दुखों को हरने वाले दुखभंजन महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर में पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है और शिवालयों के अंदर महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने देव को मनाया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि आज देवों के देव महादेव का पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व वही मंदिर की तरफ से भंडारे का आयोजन भी किया गया और भंडारा कीर्तन करने के लिए श्रद्धालु लगातार मंदिर में पहुँच रहे थे। बसंत शर्मा, ये मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर खीर वितरण का प्रोग्राम किया गया है। ये सेक्टर निवासियों ने अपने जो इच्छा अनुसार इसका खीर का भंडारा लगाया और सभी सेक्टर के वासी एक के घर घर से आदमी आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और जो कमेटी है वो भी बड़ा ही अच्छा यहाँ पे सहयोग कर रही है और सेवा भाव से सेक्टर का हर एक आदमी बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहा है और हमारी कमेटी भी लग रही है अभी धीरे धीरे इसके मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है और भविष्य में आप जैसे सभी दानी भाइयों के सहयोग से कामना करते हैं कि ये मंदिर